फाइनली ना हम पान खाने वाले हैं बनारस का, हाँ तो ये मीठा वाला है ना, इसमें मिक्स नहीं ना है, पता चला खाने के बाद असर हो जाएगा। तो ये भुलभुलैया है, भुलभुलैया है ये। अब बस हम यहाँ से संतोष भाई के चले जाए, संतोष भाई और यहाँ से हम चल रहे हैं इनके घर, यहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये सारा खेत हुआ करता था। अरे ऊपर मेरे दोस्त सब खड़े हैं। स्वागत है दोस्तों वाराणसी ब्लॉग डे टू, और अभी हम जस्ट आए हैं पासवान के पास लल्लापुरा। ये हमारे दोस्त रियाज भाई, हम जस्ट अब आए हैं, इनके साथ हम चल रहे हैं। एक हमारे दोस्त है रियाज भाई के दोस्त है संतोष भाई, तो उनके जा रहे हैं। और ये हमको देखो फाइनली ना हम पान खाने वाले हैं बनारस का। देखिए ये ना मैं टोबैको नहीं लेता, नॉर्मल पान खाता हूँ, हाँ तो ये मीठा वाला है ना, इसमें मिक्स नहीं ना है, पता चला खाने के बाद असर हो जाएगा। हेलो हाँ के जाए, 1 2 सही में असर नहीं, बाद में असर करेगा। क्या क्या डाले इसमें भैया, क्या क्या डाले? इसमें भैया गुलकंद है, गरी है, चेरी है, सौंफ है, पान रसना है। मतलब एडिक्शन, जैसे रोजाना खाएंगे तो एडिक्शन नहीं ना होगा? नहीं यानी बहुत बढ़िया पान है भैया, इससे भी बढ़िया। क्या नाम है आपका? बनारसी वाले लोगों ने आके मुझे पान खिला दिया, मैं बनारस आया था 2-3 बार आ चुका, लेकिन पान ऐसी चीज ऐसी है ना, बनारस बिना आए पान बिना खाए ना दिन की शुरुआत नहीं होती है। प्याज भाई की बदौलत मुंह में चला गया, इन वाराणसी आई एम हैविंग पान, यहाँ के ना लोगों को मौका मिला ना आके ट्राई करना, बहुत खाने में अच्छा लगा, मीठा मीठा अच्छा था, खाने के बाद मेरा मुँह फ्रेश हो जाएगा एकदम। ये हमको लेके जा रहे हैं संतोष भाई के यहाँ। रियाज भाई बताएंगे जो हम नॉर्मल पान खाए उसमें और जो एडिक्शन वाला होता है उसमें क्या फर्क है बनारसी पान में? मैं जो टूना और पान आपको दिया है, टूना जो है पानी में नहीं इस्तेमाल किया हुआ है, उसमें दूध मिलाया गया है उसकी गर्माहट को मारने के लिए। अगर उसमें पानी मिला होता है तो आप जब पान खाए तो आपके जबान को काट देता होगा, और इसमें से दूध डाल दिया जाता है उसकी गर्माहट को मारे तो वो टूना आपके मुँह के अंदर कोई तरीके की नुकसान ना पड़ता है, काटे वाटे ना। अच्छा तो एक ही टूना मतलब दो तरीके में इस्तेमाल होता है? हाँ, एक लोकल दुकान पे आप जाओगे तो उसमें पानी मिला हुआ रहेगा, अगर जेड़ा का भी आप ज़्यादा खा लोगे टूना तो टूना करने क्या कि आपके जबान को और मसूलों को काट देगा, तो आप कोई भी चीज़ खाओगे तो लगेगा बहुत तेज। अब हम आ गए हैं सिगरा चौराहा पे, ये रहा सिगरा थाना और ये गुलाब बाग मैदान, वो सामने जो भी बैटर पान बिका है जो पान को बोलते हैं लेडीज पान, जेंट्स पान अलग होता है, लेडीज पान अलग होता है, 20 रुपीज का स्टार्ट है वो पान। कैसा उसके बारे में मैंने सुना है? कैसा कि वहाँ आप जाएंगे पान लेने तो उनको वहाँ नॉर्मल पान 5 रुपये का स्टार्ट है, और बैठे आप पान की क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे उनके प्राइस बढ़ते जाएंगे, तो आप वहाँ खरीदकर के वहाँ पान 5 रुपये से लेके 500 रुपये तक का पान मिल जाएगा आपको। बनारस में पान पान है और बनारसी साड़ी है, इसके अलावा बनारस का कोई भी मशहूर नहीं है। चाय वाय कोई मशहूर नहीं है बनारस की, चाय मालूम क्या मशहूर है कानपुर में। अभी समय रथ यात्रा के पास आ रहे हैं, भारत सेवा श्रम संघ जो है उसे ही है। फर्स्ट टाइम एवर इन वाराणसी, आई हैड अ ग्रेट टाइम, कितना मजा किया लखन जी के साथ, आपने देखा ही आरियाल भाई के साथ शुरुआत हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि हम सुबह 4 बजे निकलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ हालात की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ बड़ा प्रॉब्लम रहता सुबह के टाइम, 4-5 बजे के टाइम, उधर में जहाँ मैं रह रहा हूँ साइड नहीं मिलती है ओला और चीज़, इधर से निकलते 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 आज हो गया है इस समय का, कितना बज रहा है टाइम नहीं, 12:01 बज रहा है इस समय, और हम निकल गए संतोष भाई के, और रास्ते का नज़ारा देखते रहिए। अब यहाँ से हम चलेंगे संतोष भाई के यहाँ, फिर संतोष भाई के थोड़ा मस्ती करेंगे वहाँ पर, शॉप करेंगे, फिर रिटर्निंग में रियाज भाई के चलेंगे, और ये रास्ते का नज़ारा देख सकते। अच्छा भारत बंद भी है दोस्तों, लेकिन भारत बंद का तो असर नहीं लग रहा यहाँ। Thank you.
बन चुका है विद्या साकेत, वो काफ़ी खूबसूरत बन चुका है पहले से, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, मॉल है, बैंक है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड कर रखा है। ये देखिए ये बंद कर दिया विद्या, इसको कहना बैंक का आकार दे दिया है और उसकी जगह विद्या मॉल बन गया है सामने। पहुँचने वाले हैं तो दोस्तों हम इस समय रविंद्रपुरी से आगे निकल के लंका पहुँचने वाले हैं। ये रास्ते का नजारा देखो, अच्छा ये अस्सी घाट चला जाएगा ना? हाँ यार देखो ये अस्सी घाट वाला रास्ता जिधर मैं गया था, तो निकला था संतोष भाई के निकलने के लिए कबूतर के देखने के लिए, लेकिन रियाज भाई मुझे बनारस दिखा दिए। वाह ये बना एक जैसे क्या कहूँ, एक जैसे दो निशाने नहीं होते, वैसे रियाज भाई हमको कबूतर दिखाने के बाद आए नहीं दिखाने के बहाने एक्चुअली कहा जाके सही रहेगा बनारस दिखा रहे हैं। तो मेरे को देखो मैं तो ये कहूँगा कबूतर देखने के लिए बनारस आना तो इनसे मिलना, लेकिन ये देखने से तो लग रहा है रियाज भाई गाइड का भी काम कर लेंगे, समझ रहे हो। बनारस अगर आपको देखना हो तो रियाज भाई आपको बनारस भी दिखा देंगे। अगर मैं अस्सी घाट गया तो वहाँ अगर इंडिया साथ में रहते तब शायद कुछ और भी और बात हो जाती, क्योंकि ये जितना ये जान रहे हैं वो मेरे काफ़ी काम आता है, क्योंकि बनारस की तो शानी है दोनों। आप गए होंगे तो आप नोटिस किए होंगे कि वहाँ आपको हिंदू मुसलमान दोनों मिले होंगे। हाँ हाँ जैसे तुलसी घाट गया मैं, हाँ। अखाड़े में वहाँ मुसलमान बंदा अखाड़ा कर रहा था। हाँ तो आप लाख लोग यहाँ कोशिश कर लें, हाँ। मुसलमान आपस में झगड़ जाए, हाँ। ये बहुत नामुमकिन जैसी बातें लगती है। अच्छा क्योंकि ये बनारस की शान है, तो बनारस की दो आँखें हैं, अगर एक भी आँख खोल दी जाएगी तो बनारस काना हो जाएगा। काने लोग काना लोग को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि बनारस एक ऐतिहासिक जगह है। ये अगर देखा जाए तो पूर्वांचल की सबसे पुरानी और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जगह है। हाँ यहाँ इतिहास आपको कोने कोने में इतिहास मिलेगा। हाँ आपको तो इतिहास के लिए जाना पड़ता होगा ना देखने पर, बनारस आप आएंगे तो हर एक चीज इतिहास, बनारस का खुद इतिहास है, इतिहास से भी पुराना इतिहास है। हाँ बनारस एक का नाम है कि योगियों का भी शहर है, साधुओं का भी शहर है, बिस्मिल्लाह खां का भी है, बिस्मिल्लाह खां का भी शहर है, अव्वलियों का भी शहर है। अच्छा आपको बनारस के अंदर आपको वली अल्लाह भी बहुत मिलेंगे और आपको नागा बाबा लोग भी बहुत मिलेंगे। अच्छा, और मान्यता दोनों की हिंदू मुसलमान में एक जैसी है। मानवता, हाँ मानवता को लेकर आपस में कोई भेदभाव नहीं है। वो हमारे ईद पर करीब होते हैं, उनसे वाली बहुत करीब होते हैं, वो हमारे क्या नाम है सुकरात पर करीब होते हैं, हम उनसे दीपावली पर करीब होते हैं। अब देखिए ये रियाज भाई हैं मुस्लिम, लेकिन देखिए इनका आपको देख के बात से लगता नहीं है, तो कुछ लोग जो सोचते हैं मुसलमान लोगों के बारे में, भाई हमारा ये मानना है भाई अपने नज़रिया बदलिए, कभी आप खुद मुसलमानों के बीच रहिए तब आपको समझ आएगा हाँ मुसलमान कैसे होते हैं। बनारस बनारस के तो हिंदू मुसलमान आप जज भी नहीं कर सकते, आप ये पहचान नहीं सकते। हाँ पहचान नहीं सकते, मैं कल निकला बता तो रहा घाट में मैं गया तो मुझको लगा ये बंदा हिंदू है या कुछ हुआ होगा, लेकिन वो निकला मुस्लिम, हम मुस्लिम निकला हिंदू, ऐसा सिस्टम है। तो बनारस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अगर बनारस के बारे में कोई जानना चाहे तो बनारस कैसा शहर है, क्या सिखाता है लोगों को? बनारस को आपस में मिलने वाला बनाता है, भाईचारा सिखाता है। हाँ क्योंकि बनारस के अंदर मीठी बहुत है, कहाँ जैसे पान बहुत मीठा था, मतलब चाय यहाँ पे पान बहुत है बनारस के अंदर, चाय चाय आप किसी के पास भी चले जाइए, किसी भी कांचे के पास चले जाइए, चाहे पंजाबी के पास चले जाइए, चाहे हिंदुओं के पास चले जाइए, चाहे ये अपनाता सबको, ये अपना बना लेता है। और दूसरी बात की बनारस अपने हृदय के अंदर लोगों को बताता है। अच्छा तो बनारस आने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? और दोस्तों मैं वेलकम है, वो जब भी आए बनारस के अंदर उनका वेलकम है, स्वागत है। और अगर बनारस आएंगे एक बार, अगर बनारस को आकर चले गए इंशाल्लाह वो बनारस को बार बार आएंगे। जैसे मैं तो ये आप आ गए हैं बेचू गेट के पास, बेचू गेट के पास हम आ गए हैं। ये देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अब ये इसी के अंदर हम लोग निकलेंगे सीधा हैदराबाद गेट। तो हम इस समय बेचू के गेट के थ्रू अंदर चल रहे हैं और आप आगे के अंदर का रास्ता देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि वजह है ना कि इधर प्रदूषण नहीं है उतना,
क्योंकि हर तरफ आपके दाएं बाएं दोनों तरफ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो यहाँ प्रदूषण उतना नहीं। बनारस का एकदम अलग साइड लगता है, जैसा सिगरनो से ही भी अलग लग रहा है, तो यहाँ बहुत सुकून है, शांति भी बहुत है। ये रास्ते में मेरे को जरूरी था, मैं सोचा कि आपको एक चीज़ बताना चाहें, जरूरी है। अगर आप नए हो बनारस में तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बीएचयू में गायब हो जाओ, क्योंकि रियाज भाई बता रहे हैं कि ये बनारस के जो पॉइंट में हम हैं ये भूलभुलैया है। यहाँ भूलभुलैया जैसा अगर आपको नहीं मालूम रहेगा और आपके पास GPS नहीं है तो आप भूल सकते हो, क्योंकि देखो ये यहीं है, हम हैदराबाद गेट जा रहे हैं। रियाज भाई एक बार जा चुके संतोष भाई के, लेकिन लगा कंफ्यूज हो गया है। तो ये भूलभुलैया है ये, तो थोड़ा ना अगर GPS रहे तभी लेके चलना, तब सही रहेगा। बिना GPS के सहारे नहीं, या तो कोई दोस्त के सहारे, वरना तुम भूल जाओगे, बीएचयू में नाचते रहोगे। बनारस की गलियाँ काफी ज्यादा निराली होती है, अक्सर लोगों को घुमा देती है, एक ही जगह लोग घूमते रहते हैं, पता चलता है वही निकल के आते हैं। तो ये आर्यभट्ट हॉस्पिटल है। हैदराबाद गेट के बारे में क्या है कि हम लोग जो पहली दफा फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे, हम आए थे और हमारे हम लोगों ने सोचा था कि हैदराबाद गेट का नाम इस वजह से रखा गया हैदराबाद जैसी लोकेशन होगी, पर वहाँ जब हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ कुछ ऐसी लोकेशन नहीं थी, वो नॉर्मल गेट था। और वो आपको भी उसको दिखाते हो, गेट कैसा है हैदराबाद गेट। हाँ मैं जानना चाहता हूँ बहुत, मेरे को सुना लगा हैदराबाद। ये रहा सामने हैदराबाद गेट, ये हाँ। तो ये हैदराबाद गेट, और ये यहाँ यह काफी ज्यादा हरियाली है। हाँ अब बस हम यहाँ से संतोष भाई के चले चल रहे हैं। ये गेट है, कोई बहुत बड़ा हमें लगा था हैदराबाद के चार मीनार जैसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये गेट है सामने का, ये देख लो, ये है हैदराबाद गेट। बट ड्रॉपिंग का हम यहाँ से चल रहे हैं, कहाँ है संतोष भाई का, कितना दूर है? दुकान में कपड़ी में, ये देखिए ये। तो दोस्तों ये है मेरे संतोष भाई, मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर ही भी है, और ये हमें पिक किया है हैदराबाद गेट से। अब यहाँ से हम चल रहे हैं इनके घर नासिरपुर। और थैंक्स हाँ संतोष भाई पिक करने के लिए। हाँ मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बनारस आइए तो इनसे भी मिलेगा, हाँ बहुत मजा आएगा। जरूर जरूर आए, जरूर आए। ये जगह को मैं 35 साल से देख रहा हूँ। हाँ। और 35 साल में इस जगह का डेवलपमेंट जो है जीरो से एकदम 100 के ऊपर चला गया। अच्छा ये मार्केट जहाँ से हम गुजर रहे हैं, हाँ, ये सारा खेत हुआ करता था। अच्छा तो उस समय से मैं इस जगह पे रह रहा हूँ। हाँ। और इस समय आपको यहाँ जमीने नहीं मिलेंगी, इतना ये डेवलप हो गया। अच्छा शुरुआत में सब क्या जंगल था क्या यहाँ? खेत खेत। अच्छा खेत खेत खेत। और जहाँ हम चल रहे हैं हमारे पीछे से गांव शुरू होता था। अच्छा मतलब ये पूरा हैदराबाद गेट से यहाँ तक ये खेत की जमीनें थी। अब हम घर के नज़दीक पहुंच गए हैं। इवन तो आई केम एट हैदराबाद गेट फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन इन बीएचयू, नहीं इन बीएचयू आई केम ऑलरेडी लाइक 3-4 टाइम्स। मैं आ चुका बनारस मैं बीएचयू, लेकिन हैदराबाद गेट फर्स्ट टाइम इधर आया था। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं दोबारा आऊँगा तो मुझे फिर किसी की मदद लेनी पड़ेगी। आप भूल भुलैया है? अच्छा नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेनी पड़ेगी। जहाँ से आपने वीडियो बनाना शुरू किया था, हाँ हाँ हाँ, वो जो रोड आई थी ना, हाँ, वो लंका से डायरेक्ट नरिया होते हुए दीवार को छोड़ना नहीं है। अच्छा और डायरेक्ट आपको वहाँ से आना है। अरे ऊपर मेरे दोस्त सब खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं। वाओ नाइस, ये आपका घर है? ओह माय गॉड लुक्स ग्रेट। तो हम चलेंगे अब संतोष भाई के अंदर, और वहाँ इनके छत का शौक किया जाएगा, थोड़ा कबूतरबाजी की जाएगी और फिर मस्ती की जाएगी। और आप लोग भी डिजिटलाइजेशन कबूतर का वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो भाई मैक्सिमाइज बटन जरूर दबाना और आनंद लो डिजिटलाइजेशन का। संतोष भाई के घर से लेट्स गो। देखो भाई हम इस समय है संतोष भाई की छत पर 360 में, देख लो गणेशपुरी सुसुभाई बनारस। अरे अभी उड़ के बैठे हैं, हमारे पास गैलिमा है, हम काट दें 2 महीने में फिर पक जाएगा।
एक बज के 55 मिनट हो रहा है इस समय और मैं हूँ संतोष भाई की छत पर। काफी यहाँ से व्यू यार अलग ही लग रहा है। संतोष भाई यहाँ पितर कुंडे में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये तो डेवलप एरिया है भाई। जब आपको पुष्पनाथ मंदिर सामने दिखाई देते हैं। कहाँ है? इधर से आइए दिखाइए। अच्छा ये विश्वनाथ मंदिर के बगल ही में है। छड़ दिख रहा है सामने मकान, उसके पीछे देखिए। हाँ दिख रही है। विश्वनाथ मंदिर बनारस में सबसे ऊंची मंदिर है। इतना खूबसूरत है ये। यहाँ अगर आप आओगे ना तो ये संतोष भाई के बगल ही में विश्वनाथ मंदिर भी है। भारत कला भवन भी है ना यहाँ। भारत कला भवन मतलब दो नजदीकी है ना। तो बनारस में एक ऐसा टूरिस्ट वाइज भी ना आपका बहुत काम हो जाएगा। आप आओगे यहाँ इनकी छत पर आ लेना, घूम लेना, और यहाँ से आप ट्रैवल अगर आपको पसंद है तो आप विश्वनाथ मंदिर और वहाँ भी जा सकते हो। भारत कला भवन सब खुला है ऊपर, मतलब जैसे उड़ान से खुलता है जानवर तो ये खुला है। तो बच्चा खिला रहा है ये जीरिन दिन भर। संतोष भाई हमको ना ये जो अपने कबूतरों को क्या मिक्स फीड देते हैं ठंडे में, अभी फिलहाल का मैं बता देंगे, गर्मी का भी पूछना हो तो नंबर दे दूंगा पूछ लेना। हाँ जरा बताइए संतोष भाई क्या है और ये कैसे ये, बनाते हैं आप खुद ये की? विकी भाई ये हमें करकल मिलता है। हाँ करकल आप रेवड़ी तालाब पे भी मिल जाएगा और हाँ। कई दुकानें हैं बनारस में, सब लोग अपनी सहूलियत से अलग अलग जगह से लेते हैं। तो करकल बोला जाता है जितने भी सीरियल्स हैं उनका जो वेस्ट निकलता है हाँ। जो ग्रेडिंग करके जो हम इंसान नहीं खा सकते हैं हाँ। थोड़ा महीन दाना जो होता है हाँ। वो वेस्ट जितना निकलता है हाँ। वो सारा किराने की दुकान से इकट्ठा कर लिया जाता है। अच्छा उसकी एक अलग कस्टमाइज्ड शॉप होती है जो वही बेचता है। अच्छा तो करकल वहाँ से लिया जाता है हाँ। प्लस जितने भी मिल होते हैं आटा मिल हाँ। फ्लोर मिल जितनी होती है हाँ। उन फ्लोर मिल से आप वहाँ पर क्या करते हैं कि जो महीन गेहूँ होता है जी। तो महीन गेहूँ प्लस उसमें कुछ सरसों या इस तरीके की चीजें होती हैं हाँ। वो छांट दी जाती है हाँ। आटा बनाने से पहले हाँ। तो वो महीन दाना वहाँ से लिया जाता है हाँ। और करकल जो है दुकान से लिया जाता है हाँ। उनको मिक्स किया जाता है। क्यों दोनों दाना मिक्स किया जाता है उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये महीन दाना जो है हाँ। ये महीन दाना कबूतर जो बच्चा खिला रहा है उसको महीन देने की जरूरत है। अच्छा और जो बड़े हैं जिनको ताकत चाहिए जो तैयार हो रहे हैं उनको मोटा दाना, मोटा दाना जल्दी से खा लेते हैं हाँ। और महीन दाना जो दिन भर जिनको खिलाना है जो बच्चे खिलाते हैं हाँ। आपने सुबह भी ब्रीडिंग वाले हाँ। तो ब्रीडिंग वाले को महीन दाना चाहिए और जो एक बार खाते हैं पूरे दिन में हाँ। उनको मोटा दाना चाहिए कि जल्दी से अपना पेट भर ले हाँ। और जाके अपनी जगह पे बैठ जाए। तो इसलिए मिक्स दाना दिया जाता है कि जिसको जो पसंद आए वो खा ले। तो यार कबूतर पालना या कौवा हकाने जैसा नहीं है यार। लोग जो सोचते हैं बहुत कबूतर ईजी होता पालना यार, इसको केयरिंग करने में बहुत ध्यान देना पड़ता है भाई। जैसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सीरियस वाइज ये पालते हैं और ऐसे सभी को पालना चाहिए, इतना ध्यान देना चाहिए कबूतर को ताकि आपके कबूतर ऐसे रहे ना जब दूसरा कोई बंदा है ना दिल खुश हो जाए उसका, जैसे मेरा दिल खुश हो गया है एक ही आने पर। कितना टोटल है वैसे संतोष भाई आपके यहाँ? हमारे पास जानवर जो है वो 100 से ऊपर होंगे। अच्छा गिने नहीं है कभी हमने, 100 के ऊपर। हंड्रेड सुपर आपने गिना ही नहीं अभी तक? यार काफी अच्छा लग रहा है हाँ संतोष भाई के छत पे आना। मेरा यार डिसीजन यार निकलने का बड़ा अच्छा रहा। अपनी मर्जी से उड़ रहे हैं। क्या बोल रहे थे? कबूतरों के बारे में बात हो रही थी हाँ। अभी जैसे 6-7 कबूतर हो गए हैं तो रियाज भाई बता रहे थे कि इधर जो है बहरी और लगड़ नहीं दिख रहा है। बहरी और लगड़ कबूतर के दुश्मन है, जबरदस्त तो वो हर जगह इनके शिकार करते हैं। ये तो खुले दुश्मन है, छुपा दुश्मन तो बिल्ली है। बिल्ली यहाँ नहीं आता। अच्छा हमारे तो बहुत बिल्ली है। ये नीरज भाई हैं, ये हमारे सहयोगी हैं और बिल्ली नहीं आने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो इनको जाता है। अच्छा तो वो दरवाजा बंद रखते हैं। अच्छा अच्छा और अगर हम जब तक नहीं आएंगे तो ये दरवाजा खुलता नहीं है, चाहे आप कितना भी बोल लें ये दरवाजा नहीं खुलता। नाइस मीटिंग यू।
तो ये छत जो है इन्हीं के कब्जे में है हाँ। तो एक तरीके से ये जो इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है हाँ, तब इसका पूरा ध्यान उसमें इनका पूरा श्रेय तो काफी पैशन भी होगा इनको भी कबूतर में बहुत शौक होगा। इनको कबूतर भी पहचानते हैं ये भी कबूतरों को पहचानते हैं अच्छा। तो हमारे फैमिलियर होंगे सब इनसे सब बिल्कुल बिल्कुल ये छत पे हमारी एक्सेस में भी आ जाएंगे भागते हुए कबूतर। टाटा का हाँ कैंसर हॉस्पिटल खुला है अच्छा अच्छा हाँ। सर ये नया उड़ा है कहाँ है वो जो ऊपर है तो उड़ना है अरे मेरे को कैच कैच नहीं कर पाएगा वो। ये देखिए 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 बाहरी शिकार करा रे 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 आजा आजा बच गया इधर आइए हम इनको बैरी एकदम इधर इधर ना सामने आ रहा है ये देखिए ये है ये जो तो ऊपर है वो बाज है अरे बड़ा सीरियस है यार कबूतर पालना स्पेशली उड़ा जब उड़ा रहे वो भी विंटर सीजन में मेरे आंख के सामने ये आया कहीं टावर में बैठी रही फिर आएगा वो आएगी कहाँ है वो दाना फेंक के पहले उतारिए रुकिए हम हट जाएंगे यहाँ से बस आप यहीं ये कुर्सी पे बैठिए चले ठीक है यार देखो मेरे सामने ऐसा हो गया कि अभी जब संतोष भाई उड़ा रहे थे मतलब उसी समय बैरी आ गया मुझे पता भी नहीं चला मतलब कबूतर उड़ा जो पालता है उसको एकदम हर वक्त निगरानी भी करनी पड़ती है निगाह उस पर कबूतरों के साथ साथ बैरी पर और बास पर कि भाई अचानक कुछ चीज आके हमला ना कर दे कहाँ है टावर के ऊपर आ रही वापस मतलब उस समय पकड़ भी सकता था वो एकदम एकदम उसके पास एकदम काउंटर था आवाज मार दी चीटी मारे हम लोग आवाज मारे तीन तो भाग गए ऊपर वाले उन्हीं को घेरने के लिए आ रही है हाँ वो देखो दोस्तों अगर आप देख सकते हो वो दिख रहा है एकदम सामने एकदम ऊपर वही है ना बास अच्छा लोग बास को बैरी कहते हैं बैरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाहर से अटैक करता है ये तो ज्यादा खतरनाक होता ना लगघड़ से ये तो नीचे नीचे आके मारता है ऊपर जा रहा है तो अपना खौफ भी बताइएगा आपका ये जो कबूतर आप पाले हैं हमें खौफ नहीं है कुछ नहीं हाँ। आपके सामने कितने बार बैरी मारी होगी अरे अब तक 50 जान बचे मार चुकी है लेकिन ऐसे भी खिलाड़ी हैं कबूतर जो इसके साथ उड़ते रहे खेलते इनके साथ जो कबूतर हम दिखा रहे थे ना उधर से वो इससे खेल के आ रहा था जब वो सनक वो छपका है जब सनकने लगा ऐसे तो हम समझ गए कि कहीं है देखिए ये रहा ये वाला था अगर ये परकटा है अगर आप देख सकते हो तो समझ सकते हो दिख रहा है ये सब कबूतर इनके कबूतरों पे अटैक की थी एकदम जस्ट अभी मैं जब तक कैमरा को पॉइंट करता ना उसके सामने सामने ही थी जल्दी फटाक से आगे मतलब बांस और लगघड़ ऐसी चीज होती है ना फटाक से आप अचानक से अटैक करती है ऊपर चढ़ रही है उसके ऊपर कबूतर है इसका मतलब वो क्या है जो ऊपर उड़ रहा है उधर बैरी है इसका मतलब ऊपर कबूतर है हाँ दो तीन कबूतर ऊपर थे अरे यार रोमांच भी एक्साइटमेंट भी है डर भी है डर के बाद सुकून भी है मस्ती भी है उलझन भी है हर चीज इसी में है यार एक ही टाइम में हो जाता है सब कुछ लेकिन ये है कि जब कबूतर आप उड़ेंगे ना तो आपको हर वक्त ध्यान देना पड़ता पकड़ लिया पकड़ लिया कहाँ अरे किधर कहाँ कहाँ वो जो ऊपर है ना वो लेके जा रहा है मदी है आपके सामने कर दिया छुटना बड़ा मुश्किल होता है हाँ? तो ये तो मतलब कितना पालते तो उड़े तो रिस्क है हाँ तीन थे ऊपर एक को ये पकड़ लिया दो ऊपर भाग गए अगर ये मान आप लोगों का अटैचमेंट होता होगा तो फिर बहुत बुरा लगता होगा इसीलिए उड़ाते नहीं है ना इनको इसीलिए उड़ाया नहीं जाता है बड़ा यार अच्छा नहीं लगा मेरे को यार तो इनका चला गया मेरे को खराब लग रहा है तो इसका पार्ट है देखिए कबूतरबाजी का ये दूसरा रोल हिस्सा है ये तो दर्द है जो आपको झेलना पड़ेगा हम झेला ना तो आपका भी पकड़ लिया ना तो क्यों मतलब ये उड़ाते तब क्यों इस समय जब मालूम है आते नहीं तो उड़ गया ना अभी उड़ गया ना देख वो अभी हम लोग आए छत पे ना हां इसी वजह से उड़ गए हम लोगों को देख के और मौसम ऐसा है कि इसमें उड़ेंगे तो ऊपर हो जाएंगे हम ऐसा मतलब मेरी फॉल्ट भी है कहीं ना कहीं फॉल्ट किसी की नहीं है वो देखिए सबका समय होता है पहली बार में उसने मारा नहीं मार पाया
फिर वो आया तो बताया इनको हमने कि देखिए तीन जानवर ऊपर है, उनको घेर रहा है। हाँ हाँ। तो अब हम लोगों को दिख नहीं रहे क्योंकि बादल है ऊपर। ये व्हाइट कबूतर था खाली पूछ। मतलब हम लोग जब ऊपर आए इसकी वजह से उड़ के भागे हैं तब है। वो कबूतरी भी है और वो तो मेरे भी कबूतर करते हैं अननोन, लेकिन मैंने अपने कबूतर कैसे काटा इतना ऊपर उड़ते ही नहीं सर। उड़ने वाले कबूतर हैं। हाँ तो पर मैं भी काट दिया लेकिन उड़ते ऐसे नीचे नीचे गोले कबूतर की तरह। जो पट्टे जो निकले हैं तो वो भी तो तेज तर्रार हैं। हमारा एक पट्टा लेके चला गया बंद कर दे। जो भी कबूतर उठेगा सब ज्यादातर रिस्क में है। अगर वो पुराना नहीं है एक मदी हम देखना चाह रहे हैं बच्चे पे है कबूतर। नहीं यार ऐसी चीज हो गई। मैं जब पहली बार पकड़ा था ना यहाँ बैठी थी तब मेरे को सुकून मिला था कि यार बच गया नहीं पकड़ा। फिर दोबारा आके फिर पकड़ लिया। लगभग भी है यहाँ दिख रही थी वो अलसरीन थी। अच्छा आप लोग ट्रेन भी करते होंगे ना कि कैसे ये बैरी और लखड़ से बचे? बचे आएगा तो वो बचने का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग उसको खुद कर। हमारा लाल घाघरा जो है ना, हमारा लाल घाघरा है उसको अब लखड़ भाई नहीं मार सकता क्योंकि उसके पास दसियों मरतो वार हो चुका है। अच्छा वो अपने से ट्रेन हो जाते हैं। 10 मरतो उसको मारी से 10 मरतो बचा है। इस तरीके से बचा है कि मतलब जब जब मारी तो कभी गली में घुस गया, किसी में घर में घुस गया, अपने आप को। मतलब आपका काम है सिर्फ कबूतर को पालना, बाकी सेल्फ डिफेंस उनको खुद सीखना पड़ेगा। हाँ। जो लोग कहते हैं कि वो का नाम है कि आप रामपुरी ले आओ और ये ले आओ लगड़ भैरी से बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस कबूतर दम कर लेते हैं ना तो उसके बाद अच्छे अच्छे कबूतर को मार के ले जाती वो, क्योंकि उनके में जान ही नहीं बचा रहता अपने आप को बचाने का। अच्छा जब उतरते हैं तब ज्यादा रिस्क रहता है ना। और इसी में देखिए परकटा कबूतर था जिसको दौड़ाई और नहीं पकड़ पाई। नहीं पकड़ पाई छापदार जो है इसको बजरा बोलते है नसल। ये हमारा बहुत चैंपियन कबूतर है और इसको 42 साल हो गया शौक करते हुए हमें। देखिए 42 साल यार मेरी इतनी एज भी नहीं है। मकोई है प्योर ब्रीड कबूतर है। हाँ। अरे उड़े ना भैया ताकि जो सुने उसको भी पता लगे कि किसका आंसर कौन सा। हम्म